Subscribe to Shimaru and click the bell icon to never miss an update. शर्मा, एक मिनट। अरे तू तो अकेले ही हंसी जा रही है। क्या कह रही है? घर बुलाया है। जीजू नहीं लगता। हाँ, रिला। अच्छा, मैं आधे घंटे के अंदर आता हूँ। और फिर? 20 मिनट में? पंद्रह मिनट के अंदर निकलता हूँ। अरुणा, क्या तुम समझती हो तुमसे दूर रहना मुझे अच्छा लगता है? कभी कभी तो जी चाहता है सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हारे सामने बैठा रहूं, बस तुम्हें देखकर। लौटा काशीनाथ जी। ब्रदर, ईस्टर्न एक्सपोर्टर आजकल सिर्फ इश्क एक्सपोर्ट कर रहा है। क्या मतलब? वही टेलीफोन। शर्मा जी ने 40 बरस की उम्र में शादी करके पूरे दफ्तर को बारात बना दिया। रोज घंटे में 2 घंटे टेलीफोन होता है। घंटे में 2 घंटे? ये कौन सा हिसाब हुआ? अरे पंजू मन, इस किसी हिसाब में आया है? बॉस की सूरत से मालूम होता है कि उसमें इतना रस है। ओए बाबा, क्या कह रहे? घर तेरे की लाइनें कट गई। Thank you.
चलो मुंह हाथ धो लो, याद नहीं आज दावत पे जाने। अभी तो बहुत वक्त है, गीत अधूरा रह जाए तो अच्छा नहीं होगा। गाओ। मुझे बहुत दुख होता है, तूने मैंने अच्छी तरह से गाना सीखा। जितना सीखा उतना ही बहुत है मेरे लिए। अरुणा, उम्मीद से ज्यादा मिल जाए तो ऐसा मालूम होता है जैसे आदमी उसके लायक नहीं। मैं बताऊं, ऐसी बातें तुमने कहां से सीखी? कहां से सीखी? सीखी भी नहीं, चुराई है मेरी बातों से। धीरे धीरे मचल ए दिले बेकरार, कोई आता है यूं तड़प के न तड़पा मुझे बार बार, कोई आता है। धीरे धीरे मचल ए दिले बेकरार, ज्यादा हंस देंगे, कहेंगे नई नई शादी हुई है, निकले होंगे तो एक दूसरे की शक्ल दिख गई होगी। नहीं नहीं, मुझे चलना पड़ेगा। वो ब्लाउज को तो लगा दो। मैं ऐसे रहना चाहिए जैसे तुम शादी के पहले थे? ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? भूख लग गई है, अब मैं चाहूं भी तो वैसे नहीं रह सकता। पहले मैं कहता था ये सब कार व्यवहार मर्जी से चलते हैं, बीच में ये औरतें क्या करती फिरती हैं। और अब सोचता हूं ये मर्द क्या बकवास है। जानती हो ना, पहले क्लब और पार्टी ही मेरी जिंदगी थी, अब तो भीड़ से मुझे सख्त घबराहट होती है। क्यों? भीड़ में जाकर मैं तुम्हें खो बैठता हूँ। जाओ जाओ, सब बहाना है सुस्ती का। चलो भले मनस बनकर चलो। सरला सरला जी, बबुरानी चलो चलो घर संभाल, शायद हमें देर हो जाए। और हाँ, खिड़कियां भी बंद कर देना, कहीं बारिश ना आ जाए। अच्छा
चलो। आज न जाए तो? न जाए तो बदनामी होगी। रुमाल, गॉगल्स, कलम और सिगरेट। चार से ज्यादा नहीं पीना। सच कहता हूँ अरुणा, अगर तुम ना हो। बस बस बहुत हो चुका, चलो दफ्तर को देर हो जाएगी। सुनो, यही को छोड़ के तो नहीं जा रहे हो ना? नहीं तो सोच लो। जो, जो। हेलो, मैं शर्मा बोल रहा हूँ। आप? नहीं पहचाना ना? मैं हूँ शांता। अब ईश्वर के लिए ना पूछिए कौन शांता। क्या कह रही हैं आप? भला मैं आपको भूल सकता हूँ? आपकी शक्ल साफ मेरी आंखों के सामने है, सर आवाज कुछ भारी भारी है, जैसे रात भर लड़ती रही हूँ अपने मियाँ से। देखा ना अजी, मैं खुश नसीब हूँ, मेरी शादी अभी तक नहीं हुई। साफ पता चल गया आपने नहीं पहचाना, मैं हूँ अरुणा की सहेली शांता। ओ हाँ, याद आया, शांता जी। अच्छा बोलिए तो, इतना घमंड किस बात का? साहब शादी सब करते हैं और शादी के बाद बात भी सब करती। आप सरासर भूल कर रही हैं शांता जी, न तो मुझे घमंड हुआ है न ही मैं बाप बनने वाला हूँ। छिपाना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, आप तो यूं ही अंधेरे में तीर चला रही हैं। तो ठीक है, शर्त लगा लीजिए। हार जाइएगा कोई परवाह नहीं। बोलिए कितनी बाजी? जो चाहे, 100, 200, 1000। तो तुम हार गए, रुपए लेके जल्दी घर आ जाओ। अरुणा, साहब हो रहा है, मैं डॉक्टर साहब को बुलाने जा रहा हूँ। क्या हुआ बाबूजी? बाबूजी क्या हुआ? डॉक्टर, Thank you.
सॉरी मिस्टर शर्मा, मैं उन्हें बचा ना सका। कहीं कुछ छोड़ के तो नहीं जा रहे हो ना? सरला, क्यों तुम इसको मेरे सामने लाती हो? क्या और दुनिया में कहीं कोई जगह नहीं इसके लिए? तेरा कसूर क्या है? मैं तुझसे क्यों नफरत करता? सब मेरी तकदीर, सब मेरी तकदीर। Thank you.
जा। जाना, डरने की क्या बात है? अब भी बाप से दूर भागती रही तो फिर किस जन्म में उनके करीब जाएगी? ले, ले। यूं ही आते जाते धीरे धीरे वो तुझे अपना लेंगे। जा। क्या भाग लेकर जन्मी है बेचारी? कहीं ऐसा बाप भी देखा सुना है जो नशे में चूर हुए बिना लड़की का मुंह देखने को तैयार नहीं? तुम्हारा टीचर नहीं आया तो फिर यहां क्या कर रही? जाओ पढ़ो जाकर। सर्रा सर्रा कहां रहती हो? गोविंद का बोलो, सिपाही मीटिंग कौन से साल में हुई थी? कुछ तो कहो। तुम्हारी चुप से तो मैं हार गई। लिखती हो तो इतना अच्छा लिखती हो, बोलने में क्या हो जाता है? कम से कम यही बता दो, म्यूटिनी हुई भी थी या नहीं? यही होता है ना बड़े घर के बच्चों का, माँ बाप के लाड़ प्यार सत्यानाश कर देता है उनको। तबीयत कुछ खराब है क्या? हाँ। तो आप घर चले जाइए ना, ऐसा कोई खास काम भी आज नहीं है। हाँ मैं यही सोच रहा हूँ। Thank you.
पहली बात तो यह है कि शराब आपको एकदम छोड़नी पड़ेगी, और दूसरी बात आबहवा भी बदलनी पड़ेगी। आबहवा बदलने के लिए वक्त ही कहा मेरे पास? वक्त तुम्हें निकालना ही पड़ेगा। आप फिक्र न कीजिए डॉक्टर साहब, मैं किसी भी तरह इसकी गर्दन नाप कर ले जाऊं। ठीक है सुरेश बाबू, ये आपके बचपन के दोस्त हैं, इन्हें कैसे भी ले जाइए, पर ले जाइए, ये अब आपकी जिम्मेदारी। अच्छा मैं चला, नमस्ते। नमस्ते। मैं पहले ही महाबलेश्वर जा रहा था अपनी बेटी के साथ, अब तुम भी चलो और उमा को भी साथ ले जाओ। Come in. Come in. Good morning everybody. Good morning Moses. How are you? Hello बच्चे। अरे Moses, नॉक करके कमरे में क्यों दाखिल हो रहे हो? तुम कब से इतने फॉर्मल हो गए हो? फॉर्मल नहीं भाई, नॉर्मल। तुम तो जानते हो किसी कमरे में दाखिल होने से पहले नॉक करना ही पड़ता है। न जाने अंदर कमरे में क्या कर रहा हो, मुमकिन है कोई औरत हो। अरे मैं तो भूल गया, तू तो रंडवा है, मगर रंडवों को भी प्राइवेसी की ज्यादा जरूरत होती है। क्यों बख्शी धुत तेरे की, अबे तू ही तो रंडवा है। अजीब बात है, जो शर्मा से मिलने आता है रंडवा हो जाता। अच्छा हुआ मैंने शादी नहीं किया। शर्मा तबीयत कैसी? अरे यार मारो गोली, छोटी सी बात का अफसाना बना दिया। अफसाना नहीं, मैं ऐसे महाबलेश्वर ले जा रहा हूं, ऐसे थोड़ा कह दिया डॉक्टर। सिगरेट बंद, शराब बहुत अच्छा किया। देख भाई एक काम कर, जितनी खुली और बंद बोतलें हैं ना मेरे यहां भेज दे, मुझे जीने का शौक है, मुझे मरने का। मोसेस, इस वक्त तू मौत की बात मत कर। बस मौत से घबरा गए? अरे अपनी मौत तो मजे की बात होती है, खुद को कुछ पता नहीं होता, दूसरे रोते हैं। इसीलिए तो मैं तुम्हें रुलाना नहीं खुद रोना चाहता हूं। क्या बात कर, हम तेरे दोस्त हैं, भला तुझे रोने दें? देख तो जल्दी टे बोलने वाला है, इसलिए अपना वसीयतनामा तैयार कर, वरना कहीं मर मरा गया तो मेरी फीस चली जाएगी। मुझे अरे असली बात तो कहना भूल गया, तेरा वो होने वाला दामाद और मेरा हो चुका लैंडलॉर्ड अगले हफ्ते यूरोप से वापस आ रहा। कौन? अरे वो हरी मेहता का लड़का अरुण। अच्छा, अरुण के साथ उमा की शादी तय हुई है। अरे ये भी तो देखो, ये बात कौन कर रहा है? मोसेस, अलबत्ता हरी की ख्वाहिश थी मेरी लड़की के साथ अरुण का रिश्ता हो जाए, लेकिन सुरेश अगर अरुण वापस आ रहा है तुम्हारे साथ जाने मेरा नामुमकिन है। नहीं नहीं तू जा, मैं उसे भेज दूंगा, जो हजारों मील से आ रहा है वो 200 मील नहीं जा सकता। मुझे डर है तो बस इतना कि वो साला वापस आके किराया ना मांगने लगे। मोसेस, आई एम वेरी सॉरी, किराया तो मैं उसे दे दूंगा, मगर इतना दूंगा कि वो महाबलेश्वर तक जा सके, वहां से वापस ना आ सके। मोसेस तुम भी चलो ना साथ। महाबलेश्वर? ना बाबा ना, महाबलेश्वर का एक बहुत दुख भरा तजुर्बा है मेरा। क्यों, क्या बात है? मेरा वहां रोमांस हो गया। अच्छा कब? 1932 में। नहीं नहीं 1932 में तो दार्जिलिंग में रोजी के साथ। 1931 में मैं महाबलेश्वर में जब होटल से बाहर निकला तो पहाड़ी के नीचे बहुत सुंदर लड़की थी, उन दिनों एक नया नया फैशन निकला था लड़कियों में पतलून पहनने का, बस देखते ही मैं लट्टू हो गया और लगा उसका पीछा कर, लगा उसका पीछा कर। फिर क्या हुआ ना पूछो तो अच्छा है। क्यों? वो लड़की थी ना लड़की, वो लड़का नहीं। अरे अरुण सब नया नया लग रहा है ना। हाँ, 5 साल बाद जो लौटा। अशोक क्यों नहीं आया? अरे हाँ मैं बताना ही भूल गया, ओ माँ जी की तबीयत कुछ खराब है। क्या हुआ? ऐसी कोई खास बात नहीं, अशोक रिपोर्ट लेने गया है, आ जाएगा। हाँ मेरे टेनेंट अंकल मोजिस की क्या खबर? ओ मिस्टर मोजिस स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग। अंकल अंकल वेलकम होम माय बॉय, वेलकम होम। हाय अंकल। एक्सलेंट एक्सलेंट। किसे ढूंढ रहे हैं अंकल? मेम साहब को। मेम साहब? हाँ बिलाय से कोई मेम साहब नहीं लाया? नहीं तो? तेरी तूने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया। क्यों? मैं समझा बिलाय जाके तो अंकल के नाम को चार चांद लगाएगा, हाय कमबख्त तूने एक भी नहीं लगाया। चलो चलो अंदर चलो।
What a wonderful thing. But alas, it is wasted on these young people. Uncle, ये सब डेकोरेशन किस खुशी में? अरे भाई, मैंने सोचा तुम दो आओगे और ये निकालने से पहले तीन हो जाओगे। ओह अंकल। अच्छा सुना, तूने वहां क्या क्या तीर मारे? लिखता रहा, पढ़ता रहा और क्रिकेट खेला, टेनिस खेला और दूसरे मुल्कों की सैर की और कुछ नहीं। लेकिन अंकल, विलायत गए तो क्या मेम से शादी करना जरूरी है? शादी की बात किसने? मेम तू ले आता और शादी मैं करता। बहुत खूब अंकल, किराया ये खर्च करते और शादी आप करते? ऐसा ही होता है बेटी। सन 36 में जब मैं क्लेरा को ले आया, नहीं नहीं 36 में पॉली थी, 39 में जब क्लेरा को मैं हिंदुस्तान ले आया, उसको फर्स्ट क्लास होटल में रखा, खम्बक को बंबई का पानी भारी पड़ा, जुकाम हो गया, तभी मैं उसको डॉक्टर गोम्स के पास ले गया। आप हंस क्यों रहे अंकल? अरे हंसने तो क्या करूं, जानते हो क्या हुआ? फिर डॉक्टर गोम्स ने उसे शादी कर ली और होटल के बिल्स मैंने भरे। हाँ देख भाई, आते ही किराया और रहमत मांगना, अपने पास पैसे उसे नहीं है। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं अंकल, उल्टे पैसे तो मुझे आपको देने चाहिए। वो कैसे? नहीं, इतने साल आपने मेरे घर की जो देखभाल की। That's an idea. निकाल 500 रुपए। अच्छा रहने दे, हिसाब चुकता हो गया। अंकल मौसिस, हमने सोचा है कि अगले संडे को एक शानदार पार्टी हो जाए। हाँ अंकल, अरुण के आने की खुशी में। संडे नहीं, इसे महाबलेश्वर जाना है। महाबलेश्वर? तेरे अंकल शर्मा बीमार है। क्या हुआ? नहीं डरने कोई बात नहीं, मैंने उसे वादा किया है, आते ही तुझे वहां भेज दूंगा। फिर तो मुझे जाना ही पड़ेगा। अंकल आप इन लोगों से बातें कीजिए, मैं अशोक से मिलकर अभी आया। आ जाओ जाओ, मिला। बोले भाई क्या पियोगे? गोपाल जी, चार विस्की लिया। कौन है? ओ परमात्मा, तुम माँ जल्दी आओ, देखो कौन आया है। अच्छे पहले विलायत चले गए थे 5 साल के लिए, फिर आज हमके सताने के लिए और तेरी गालियां खाने के लिए। नकती विलायत के प्यार से यहाँ की गालियां अच्छी लगती। अच्छा अरे अरुण, तू आ गया। जी करो मेरे बेटे, जी करो। हाय राम, कितना दुबला होकर आ गया। हम माँ नहीं थी ना इसलिए, अब फिर से मोटा हो जाऊंगा। अरे माँ, तू अब तक वैसे ही सुंदर है। चल। वैसे ही गड़े पड़ते हैं तेरे गालों में। बस करा देगा। बाप रे, वैसे ही शर्माती है तू। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। क्यों? मेरे पिछली 3 चिट्ठियों का जवाब क्यों नहीं दिया? अरे बेटा कैसे देती, कहीं 50 साल पहले कखगर सिखा, वो भी इन बच्चों के काका में भूल गई। 5 दिन लगते वहां चिट्ठी पहुंचने में, 7 दिन लगते हैं मुझे यहाँ लिखने में। अब बता। जाओ, माफ किया मुझे। अच्छा एक बात बता माँ, तुझे अब तक कोई उल्लू या गधा नहीं मिला? उल्लू या गधा किसलिए? गौरी के लिए। मैं तो समझता था कि कोई आके इसका हाथ पकड़ के ले गया होगा, और तू अब तक भैया की रोटियां तोड़ रही है। देख मैं तेरे लिए कितना खूबसूरत तोहफा लाया, शादी करेगी तब मिलेगा। देख अब तेरी शादी में एक भी फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। दो आने की घड़ी ला, वापस ला। नहीं नहीं, मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती। जाओ माफ किया। अशोक छोड़। अरे कविता लिखना छोड़ दिया क्यों? अरे तू तो पहलवान हो गया यार। तेरे पीछे बहुत दुख देखे ना, इसलिए मोटा हो गया। अच्छा तो दुख में आदमी मोटा हो जाता है? सारी दुनिया घुमाया लेकिन तू रहा गधे का गधा। गधे का गधा नहीं, गधे का दोस्त। चल मर गए। अच्छा तो प्रोफेसर साहब। मैंने प्रोफेसरी छोड़ दी, आजकल मैं स्कूल टीचर हूँ, अध्यापक सर्वव्यापक। क्यों कॉलेज से निकाल दिया? नहीं निकाला नहीं गया, मैंने खुद ही छोड़ दिया। बड़ा अजीब लगता था, काम कुछ नहीं था, पैसे ही पैसे। स्कूल टीचरी में अच्छा है, काम ही काम दो दाम। कितनी देर कर दी, क्या कहीं भाषण देने लग गए थे? देखो ना कितना वक्त हो गया। ओ मुझे मालूम है, तो देख घड़ी मिली। चल चाय बना कर ला। अभी लाइक। अच्छा अशोक, माँ को क्या तकलीफ? कुछ खास नहीं अरुण, थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया था,
डॉक्टर ने आबोहवा की तब्दीली के लिए कहा है, तो मेरी हालत तो अच्छी तरह जानता है। फिर भी पब्लिशर ने कुछ पैसे देने का वादा किया है, मिलते ही किसी हिल स्टेशन पर ले जाऊंगा। तू उन्हें महाबलेश्वर क्यों नहीं ले जाता? अरे हम छोटी सी भूल से डरते, तू महाभूलेश्वर क्यों नहीं ले जाता? मजाक छोड़ो, मैं महाबलेश्वर जा रहा हूँ, मेरे एक अंकल शर्मा वहाँ पे बीमार है, उन्हें देखने जाना है, तुम लोग भी सब मेरे साथ चलो। उसके लिए पैसे नहीं लगेंगे। अशोक बाबू कहाँ है भाई? आ मेरा मुने वाड़ू। अरे मुने वाड़ू कहाँ से आ गया? अरे पब्लिशर ने भेजा है। पब्लिशर को क्या हो गया? गौरी पैसे आ गए हैं, चलने की तैयारी करो। तू कार से जा रहा है ना? हाँ। तो हम सब तुम्हारे साथ मिलकर जाएंगे, हमारे जाने के पैसे बच जाएंगे। पूरे गिन कर दिए है ना? हाँ जी भैया, पैसे आ गए भैया। हाँ आ गए। मैं चलने की तैयारी करूँ? हाँ। ये लो पेन, रख ले तेरे लिए लाया। मेरे लिए लाया? फिर तो मैं इससे अपनी नई कहानी शुरू करूंगा। चल ऊपर गौरी, चाय ऊपर ले आना। चल ना, कितना नाश्ता चल रहा है। मोहन, क्या सोच रहे हो? सोचता हूं इंसान का मन कितना अजीब। देखो ना कितनी सुंदर जगह है, कितनी शांति है। एक तरफ मन कहता है यहीं रह जाओ, कहीं मत जाओ, और जब काम का ख्याल आता है तो फिर यही मन कहता है कि अभी लौट चलो। काम काम काम, काम का तुम्हें इतना नशा है, एक दिन में तुम शराब छोड़ सकते हो, काम का नशा नहीं छोड़ सकते। और जिंदगी में रहा ही क्या सुरेश, ये काम ही तो है जो सब कुछ भुलाए रखता है। चलो लौट चले। ये लड़की खुद तो पागल है ही, मुझे भी पागल कर देगी। क्यों? देखो ना पागल घोड़े पर सवार है। अरे कोई है? बैठो मो साहब के लिए चाय लाओ। और यानी बेटी आई? दादी, 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 दादी। मुझसे बात मत करो। क्यों माटिया पर सवारी की? मना किया था ना, जानती नहीं उस दिन एक आदमी को गिरा दिया, टांग बाजी तोड़ दिया उसका। अरे मारे गए, छोड़ दो मुझे। छोड़ दो मुझे, मैं गिर जाऊंगा भाई। अरे पहले बोलो तुम मुझसे नाराज नहीं हो? नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ। डैडी तुम तो एकदम बुढ़े हो गए। मैं बुढ़ा? अच्छा लड़ो पंजा। चैलेंज। ओके ओके शर्मा अंकल, आप जज हैं। ए हाथ पीछे। रेडी वन टू थ्री। तुमने बॉडी भी क्यों दिया? बुढ़ा तो बुढ़े का साथ लेगा ही। माने दीजिए अरुण बाबू को। अरे हाँ अरुण आ रहा है। तुमने इलेक्ट्रिशियन को बुलवाया? गेस्ट हाउस का स्विच वगैरह ठीक हुआ तुमने? डैडी इलेक्ट्रिशियन की क्या जरूरत है, अरुण बाबू तो खुद इंजीनियर है, क्या वो ठीक नहीं कर सकते? वो सब कर सकता है लेकिन तेरे दिमाग का फ्यूज ठीक नहीं कर सकता। वो कोसों से मारा मारा आएगा और यहाँ आकर तेरे घर की बिजली ठीक करने बैठेगा। अच्छी रोज से तू डैडी फिर डांट के बात की तो मैं तो मैं क्या मैं घोड़े पे बैठू? नहीं नहीं बाबा, तू बहुत अच्छी लड़की है, सिर्फ दिमाग नहीं नहीं हम सबसे अच्छा। That's like a good boy. मोहन तुम बुरा तो नहीं मानते इन बातों का? बुरा किस बात का? यही ऐनी की बातों का। क्यों? इतनी बड़ी हो गई पर बचपना नहीं गया इसका। यह भी तुम्हारी बेटी का नसीब लेकर पैदा हुई है। एक वर्ष की थी के मां मर गई, तब से इसका बाप भी मैं हूं और मां भी मैं। सामान निकालो। चलो उतरो घर जल्दी। मां मैं वहां शर्मा अंकल को जरा नमस्ते कह के आया था। अरुण भैया अगर मेरी मानो तो तुम किसी के यहाँ उतर जाओ। जी नहीं, आप चुप रहिए। ठीक है तो कह रही है, हो सकता है तुम्हारे यहाँ रहने का वो बुरा न मान जाए। मान जाए बुरा,
तुम लोग यहाँ होते हो भला मैं वहाँ कैसे रह सकता हूँ? तुम्हें कैसी बातें करती हूँ? अब खत्म करो माँ बेटे के झगड़े को, अगर उन मुझे वहाँ मार्केट उतार देना, बड़े जोर से भूख लगी है, इनके लिए भी कुछ लेता हूँ। चलो थैला लेके जल्दी लेकर, सुनो सुनो सुनो, इसको संभाल के रखना, पूरा मनी ऑर्डर इसमें। चलो माय गॉड, अनीता कितनी बड़ी हो गई, इतनी सी थी जब देखा था। जब आप कितने बड़े थे जी, निक कर पहन के घूमते थे, जो बार बार ढुलक कर घुटनों पे आती थी और नाक 24 घंटे ज्यादा बातें मत कीजिए, अंदर का आसन आप लिए। अंकल शर्मा कब से आपका इंतजार कर रहे हैं, टिक्की की चाबी दीजिए, सारा सामान मैं रखवा दूंगी। सामान तो मैं हॉलीडे कैंप में छुरा है। क्या मतलब? बात यह है कि मेरा एक दोस्त अशोक, उसकी माँ और बहन मेरे साथ आए हैं, वो लोग हॉलीडे कैंप में ठहरे, मैं भी वहीं ठहरा हूँ। क्या कहा, फिर से कहिए सर। मेरा एक दोस्त अशोक, उनकी माँ और बहन साथ आए हैं और कैंप में ठहरे, आप भी वहीं ठहरना चाहते हैं। मेहरबानी करके अंदर जाइए, मेरे दिमाग में थोड़ी सी गर्मी है, कहीं गाली दे दी तो आप कहिए मैंने दी है, कसूर आपका होगा वरना मैं हो जाऊंगी। जाइए जाइए जल्दी जाइए। सुंदर जगह है ना माँ? हाँ, लेकिन ठंड लगती है। शॉल क्यों नहीं ओढ़ लेती? कहाँ है शॉल? वो बेडिंग में। इतनी धूल है, गर्म पानी मिल जाए नहा ले तो चैन आए। खोलिए खोलिए गोपा, ये मेरे से उठा लो, ये बैग मैं उठा लेती हूँ। और ये आपको तो मैं हाथ भी नहीं लगाने दूंगी, आप अशोक बाबू की माँ है ना? हाँ, तुम जानती हो अशोक को? जिंदगी में कभी नहीं देखा, नाम भी पहली बार सुना है। यही पूछेंगे ना कि मुझे कैसे मालूम हुआ कि आप अशोक बाबू की माँ है? कॉमन सेंस, वो अरुण बाबू के दोस्त है, उम्र के हिसाब से आप उनकी बहन नहीं हो सकती और ना ये उनकी माँ, मुझे ज्यादा बातें नहीं आती। चलिए। हाँ, मगर हम तो आपको पहचानते नहीं। पहचान जाएंगी, मेरे साथ जो घंटे दो घंटे भी रहता है वो जिंदगी भर नहीं भूलता। मेरा नाम आया नहीं, पापा का नाम सुरेश बख्शी और बख्शी विला भी उन्हीं के नाम पर है। आंटी, अगर अरुण बाबू का दिमाग खराब ना होता तो आप सब लोगों को लेकर वहीं पहुंच जाते। खैर, जो हुआ हुआ, चलिए। चलने को तो कुछ नहीं बेटा, लेकिन अशोक बाहर गया है, उसे पूछ तो लो। क्या पूछेंगी आप? पूछने का तो कुछ नहीं, लेकिन वो अपने ढंग का आदमी, कहीं न माना तो। आंटी, यूं तो मैं बहुत अच्छी लड़की, लेकिन अगर बात झगड़े पे ही उतर आए तो मैं किसी से कम नहीं। अगर आपका बेटा आकर कह दे कि आप नहीं जाएंगी, जरा सोचिए यहाँ क्या क्या आतिशबाजियां चलेंगी, क्या आपको अच्छा लगेगा? वो तो ठीक है, पर जब भैया लौटे तो चौकीदार कहेगा, हमारे बंगले को यहाँ सब जानते हैं। आंटी, हमारे यहाँ इतनी बड़ी जगह है कि 3-3 कमरे में एक एक आदमी को सोना पड़ता है। चलिए ना, मैंने कितनी मेहनत से गेस्ट रूम ठीक किया, प्लीज चलिए आंटी, चलिए। सुनो भैया, बख्शी वाला यही है ना? घर में है कोई? जी अंदर जाइए। जी सुनिए। नमस्ते, मेरा नाम अशोक है, मेरी माँ और बहन को हॉलीडे कैंप से आप यहाँ लेकर आई हैं? आप बख्शी साहब की लड़की है ना? पर ये बख्शी विला है ना? तो फिर इतनी देर कहाँ लगा दी? ये क्या, राशन के साथ में लेकर आए? ये तो ऐसे हुआ जैसे कोई किसी के घर जाए तो सर पे पलंग भी उठा लाए। चलिए चलिए, ज्यादा बातें मत कीजिए, चलकर मुंह हाथ धो लीजिए। वैसे आपको मुंह धोने की जरूरत नहीं, उल्टा आपको देखकर अपना मुंह धोने को जी चाहता है।
चलिए चलिए आंटी जी और आपकी बहन समझते होंगे कि पता नहीं आप कहाँ खो गए। चलिए चलिए। यहाँ तो एक से एक बढ़कर कैरेक्टर है। शॉर्ट स्टोरी तो क्या एक अच्छा खासा नॉवल लिखा जा सकता है। भैया जल्दी से तैयार हो जाओ नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा और अली गर्म। इसमें तैयार होने की क्या बात है, चलो। पर सुनो गौरी, आज तुम बड़े घर की मेहमान, वहाँ खाना चबड़ चबड़ करके मत खाना। तुमने क्या मुझे इतनी बुद्धू समझ लिया? अरे बाबा मैंने इतनी कब कहा है। भैया क्या कभी हमने किसी बड़े आदमी के घर खाना नहीं खाया क्या? क्यों नहीं, हमारे यहाँ तो तुम रोज खाती हो, हमारे यहाँ तुम ऐसे जैसे जी चाहे खाओ, मगर यहाँ कुर्सी पर बैठकर छुरी कांटे के साथ खाना पड़ेगा। खा सकोगी? छुरी कांटे से? ओहो, तब तुम भाई बहन दूर दूर बैठना। माँ मेरी बात तो ये सुनती नहीं, तुम जरा इसे समझाओ ना। वो मंगनी का है दाल सब्जी में क्या? माँ तुम भी हंसने लगी भैया के साथ साथ, मैं नहीं जाऊंगी। तो माँ तुम क्यों हंसती हो? चल देर हो रही है बाबा, जल्दी कर भूख लग रही है। नहीं नहीं ये तुमने ठीक नहीं किया, बेकार नौकरी ढूंढ ली, कोई बिजनेस शुरू कर लिया होता आखिर हम तुम्हारी पीठ पे। आप ठीक कहते हैं जैसे, लेकिन आप भी कुछ करने की हिम्मत नहीं बढ़ी, एक्सपीरियंस नहीं था ना, इसलिए। एक्सपीरियंस शुरू में थोड़ा ही होता है, आहिस्ते आहिस्ते सब हो जाता है। हाँ आदमी हर बात कोई पेट से थोड़ा सीख कर आता है। अब जब मैंने बिजनेस शुरू किया था मुझे क्या एक्सपीरियंस था, शायद इसलिए प्रॉफिट हो गया। अरे वो कहाँ गए? आइए 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 आइए। अशोक प्रिया मैं यहाँ मैं ये है अशोक, आप हैं इनकी माता जी और ये है गौरी। बैठ बैठ। अशोक ये हैं चाचा जी, इनके बारे में तो तुम जानते ही हो, और आप हैं मुझे बख्शी कहते हैं। मिस्टर बख्शी अशोक एक बहुत अच्छा राइटर है, हिंदुस्तान के बड़े बड़े मैगजीन्स में इसकी शॉर्ट स्टोरीज और आर्टिकल छपते हैं। काम क्या करते हैं? अच्छा कहा आपने, वाकई हमारे देश में लेखक को काम अलग से ढूंढना पड़ता है, सिर्फ लिखने से तो रोटी नहीं चलती, और किताबें खरीदने वाले मेरे ख्याल से दो चार होते हैं, बाकी तो सब मांग कर पढ़ते हैं। अच्छा हमारे देश में लोग पढ़ते भी हैं। देखा चाचा जी सब बातें कर रहे हैं और मैंने एक भी बात नहीं की। पापा कहते हैं कि मैं बड़ी बातें करती हूँ। बातें तो छोटी ही होती हैं, लेकिन जब तू करती है तो बड़ी हो जाती है। तू बहुत गंदे हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं खाऊंगी। मैं उमा के साथ खाऊंगी। उमा उमा चलो ना बेटे। ये क्या तुम्हारी छोटी बहन है? नहीं आंटी, ये शर्मा अंकल की बेटी उमा है। आंटी मैं इससे 4 साल बड़ी हूँ, लेकिन मजे की बात ये है कि हम दोनों एक ही दिन एक ही तिथि पैदा हुए। अच्छा आओ बेटी बैठो खाना खाओ। नहीं आंटी ये खाना ही खाने जा रही है, लेकिन दूसरे कमरे में खाई, सबके सामने नहीं खाती। क्यों? शर्माती है। अच्छा तो मैं भी इसके साथ खाना खाऊंगी। मेरे साथ खाना खाने में तो कुछ वो नहीं ना, अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं उमा के साथ खाना खाऊंगी, मुझे भी एक टेबल वेबल की आदत नहीं है। बैठो तुम यहाँ। चप्पा हैरानी की बात है ना, उमा दिन ब दिन बुढ़ी ही होती जा रही है और तुम दिन ब दिन बच्ची होती जा रही हो।
से भी बातें होती है, कुछ दिल ने कहा कुछ भी नहीं। सवेरे उठ जाती हैं आप, कितना सुहाना होता है सुबह का समय। हर चीज एक दूध या ठंडक में नहाई सी मालूम होती है, और फिर देखते देखते एक उजला सा पहनावा पहन लेती है ना। ये आंचल में क्या छुपा रखा है आपने? फूल है, देखूं तो। अरे कितने खूबसूरत हैं ये फूल, कुछ मैं ले लूं? उमा बिना गर्म कपड़ा पहने ही चली आई। नमस्ते। नमस्ते। अरुण उठ गया? नहीं, आपके लिए चाय भिजवा दूं? अगर तकलीफ ना हो तो भिजवा दीजिए। नहीं नहीं, इसमें तकलीफ की क्या बात है, चलो उमा स्वेटर पहन ले। अरे बाबू, अरे बाबू, अरे बाबू, चाय मत पीजिए, चाय मत पीजिए। क्या हुआ? कहने कब रख दीजिए? आखिर बात क्या है? डैडी आज हम सब बाहर जा रहे हैं, वही खाना होगा वही पीना होगा। उठिए उठिए ना। जब इसकी जबान पर उठना आ गया तो उठना ही पड़े। इसे मिलिट्री का ऑर्डर समझो बेटे, जाओ। चलिए बाय डैडी, बाय बाय। बहुत ही अच्छा लड़का है, याद है इसका बाप भी ऐसा ही था, हसमुख। मुझे यकीन है उमा इसके साथ बहुत ही सुखी रहेगी। अरिंद बाबू, अरिंद बाबू, आज तो वो मजा आएगा खाना पीना बस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक्स किस बात की? इन बुड्ढों से मुझे बचा लिया जी। क्या
मेरे डैडी को बुढ़ा कहते हैं, लड़ाओ भैया। नहीं नहीं, तुम्हारे डैडी को नहीं, शर्मा अंकल को। शर्मा अंकल। अंकल शर्मा। ये तो अंकल शर्मा से कमाल है, तुम तो हर बात सीरियस ले लेती हो, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं समझ गई, आप भी बिल्कुल मेरी तरह हैं। तो आप किसको क्या बात मुझसे निकल जाए कोई भरोसा नहीं, बस सिर्फ इतना है कि मैं बहुत बातें करती हूँ लेकिन मुश्किल से कोई बात गलत होती है। आप भी बातें करते हैं लेकिन शायद ही कोई ठीक होती है। फिर भी आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, कितने हंसमुख हैं आप। देख क्या रहे हैं, जाइए उन लोगों को तैयार कीजिए। यानी अशोक को मैं कहूंगा तो शायद तुम कहोगी तो अलबत्ता। ठीक है ठीक है, मैं उन लोगों को संभालूंगी। माँ सोने दो ना बेचारी। बस अब जल्दी जल्दी से। क्या बात है दीदी? आंटी आज हमने डिसाइड किया है कि आज का नाश्ता आपका सब बाहर करें। मुझ बुढ़िया को कागज टोकी बेटी, अगर आप बुरा ना माने तो मुझे। आंटी बुढ़ी है इसलिए नहीं जाएंगी, आप जवान है इसलिए नहीं जाएंगी, उमा इसलिए नहीं जाएगी, न वो बुढ़ी है न जवान। गौरी तुम भी कोई बहाना ढूंढ लो। ठीक है आज का प्रोग्राम कैंसिल। क्यों क्यों कैंसिल, क्यों कैंसिल? मैं अकेली ही जाऊंगी और आप सबका खाना मैं अकेली खाऊंगी। आया ना मुझे भी। अरे चल उठ भी, यहाँ किस लिए आए? घर में बैठने के लिए? चल तैयार हो जा। बैठ जल्दी बैठ। लीजिए अशोक बाबू ये भी रख दीजिए। गौरी दरी ले ली। हाँ और बास्केट? बास्केट डिक्की में रख दी। उमा जी नहीं जाएंगी? उमा वो तो कहीं भी नहीं जाती। कोशिश करके तो देखिए। आप क्या समझते मैंने उसे कहा नहीं? पिकनिक का नाम सुनते ही उसे ठंडे पसीने आने लगे, मैं तो डर गई कहीं बेहोश न हो जाए, इतनी शर्मीली है वो। इसीलिए तो उन्हें अपने साथ रखना चाहिए। अनिता जी हम लोगों का साथ उनके लिए बहुत जरूरी है। भूल जाइए अशोक बाबू, जो बात हो नहीं सकती उसके लिए बेकार माथा फोड़े क्यों। चलिए चलिए। तुम क्यों नहीं रही उनके साथ? तुम उन जैसा हंस खेल क्यों नहीं सकती? क्यों तुम ऐसे अपने आप में गुम रहती हो? तुमको यहां ये हंगामा ये भीड़ अच्छी नहीं लगती ना? मुझे भी अच्छी नहीं लगती। चलो हम आज ही यहां से लौट चले।
गली, दिल में ऐसा दर्द उठा, भीगी भीगी फजा, सन 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 के दिया। हाँ जी, कौन? अरे उमा, तुम आओ बेटी, आओ आओ ना, आओ बैठो। हाँ जी, कार आया है, शर्मा जी को आज ही जाना पड़ेगा। और तुम लोग? हाँ माँ जी, हमें भी जाना पड़ेगा। लेकिन बेटा, अभी तो तुझसे जी भर के बात भी ना कर पाई। माँ जी, नाश्ता कर लीजिए। मैं तो सुबह कुछ नहीं खाती सरला। बिल्कुल नहीं? नहीं, कुछ तो खा लीजिए। तेरा हुक्म है तो खाना ही पड़ेगा बेटी। अचरज है माँ जी, ये तो किसी से बात भी नहीं करती। मैं जानती हूँ ये किस लिए बात नहीं करती। बातें करेगी तो फूल झड़ेंगे, हंसेगी तो मूर्ति। माँ, इतना मजा आया, तुम भी चलती तो बड़ा अच्छा होता। हाँ माँ, अगर तुम भी साथ चलते तो देखती गौरी कितनी उछल कूद करती। अच्छा, तुम्हारी तरह हर जगह हर वक्त सीरियस तो नहीं हो सकती ना भैया? माँ, वो इतने अमीर हैं, लेकिन उनमें जरा भी कमल नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं माँ। गौरी, किसी के बारे में इतनी जल्दी कोई राय नहीं कायम करते। क्यों, अमीर लोग अच्छे नहीं हो सकते क्या? हाँ, अच्छे आदमी कभी कभी अमीर जरूर बन जाते हैं, मगर अमीर बनने के बाद अच्छा रहना बहुत मुश्किल। मैं तो उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जिस दिन तुम अमीर बनोगे। मेरे अमीर होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों, हो सकता है कोई फिल्म वाला किसी दिन तुम्हारा नॉवल खरीद ले। कितना बुरा दिन होगा फिल्म वालों का जिस दिन वो मेरा नॉवल खरीदेगी। लेकिन गौरी, मेरे दिमाग में नॉवल का एक बहुत अच्छा प्लॉट आया। अरे हाँ, मैं भूल ही गई, शर्मा के रुमाल चले गए। ये कहे? हाँ, जरूरी तार आया था। देखो ना, मैं उससे मिल भी नहीं पाई। कितनी अच्छी लड़की थी, मुझे उससे बड़ी मानता हो गई थी। जाने अब कब मिलेगी? माँ, तुम बाहर गई थी? तो फिर ये फूल कौन लाया है? जाने से पहले उमा दे गई है। तो आप डिवोर्स चाहते हैं मिस्टर कैरियर? जी हाँ। डिवोर्स का मतलब जानते हैं? जी हाँ, तलाक। तलाक का कारण? तलाक का कारण नहीं कह सकता, शादी। तो फिर शादी की क्यों? ये शादी मेरे ने की, उसने की, पीछे पड़ के मैं ना नहीं कर पाया। क्यों? ये आप ठहरे बुजुर्ग, आप नहीं समझेंगे। ओ समझा, लव मैरिज। मेरी शक्ल देखे किन नहीं आता है ना, किसी को नहीं आता, मुझे खुद नहीं आता। इतने साल हुए शादी को? ये 5 साल। ये 5 साल के रिश्ते को एक ही दिन में तोड़ना क्यों चाहते हैं आप? क्या करूं साहब, जब देखी मेरी सूरत के पीछे पड़ी रहती है। शादी से पहले कहती थी तुम्हारा मुंह तो चांद को टुकड़ा है, और अब अभी कोई रास्ता निकालिए बारिश्ता साहब, रोज रोज के इस क्रिकेट से मेरी जान बचाइए। लड़ाई झगड़ा होने पर कभी आपकी देखभाल में कुछ कमी की? ये कभी नहीं। बीमारी आरामी में कभी आपके सेवा में कोई कमी? ये नहीं। खाना वाना कौन पकाता है? खाना वो पकाता है। लड़ाई झगड़े के बाद कभी आपको उपवास करना पड़ा? कभी नहीं। तो फिर आप क्यों आए? जी आप उन्हीं को भेज दीजिए, मैं उनकी तरफ से केस लड़ूंगा। तो मेरा क्या होगा? क्या होगा? हर महीने उन्हें 300-400 रुपए खर्च देना पड़ेगा, बस। सत्यानाश, मुझे तो कुल 400 रुपए मिलते हैं, मेरा क्या होगा? मैं बताऊं? जी आप घर जाइए, अपनी पत्नी के साथ वही बर्ताव कीजिए जो पहले किया करते। जिस औरत ने आप जैसे आदमी के साथ प्यार किया, आपसे शादी की, आपकी देखभाल की, आपको खाना खिलाया, याद रखिए अब भी वो आपसे प्यार करती है। मिस्टर कैरियर, एक हाथ से ताली नहीं बजती, तो आप घर जाइए, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा सर? मुझ पे यकीन करिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं जाऊं? शौक से। फीस? फीस? आपकी पत्नी खाना कैसा पकाती? जी बहुत अच्छी, बिरयानी तो बस बस बस, जिस रोज गोलाबारी बंद हो जाएगी उनके हाथ की बिरयानी खिला दीजिए, वही मेरी फीस। जरूर।
गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग अंकल. ओ नो नो, ये सच है या मैं ख्वाब देख रहा हूँ? एनी और साड़ी में? चलो जरा अच्छी तरह देख ले. हाँ हाँ अंकल, मैं अच्छी तरह जानती हूँ. इसी बहाने आप चिमटी लेना चाहते हैं ना? ठीक है, लेकिन धीरे से. अंकल मैं साड़ी में कैसे लगती हूँ? क्लासिकल डेंजर. ये तो बताओ कि ये तब्दीली सिर्फ बाहरी है या अंदर भी? क्यों? इसलिए कि तुम बातें मुझसे कर रही हो और नजरें ऊपर उठ रही हैं बार बार. और उनके साथ मार्केटिंग की बात थी, गलती से जरा जल्दी चली आई. और तुम्हारा कसूर नहीं है बेटी, ये आजकल की घड़ियां कम्बक बहुत आहिस्ता चलती है. अंकल ये फूल आपके बागीचे के हैं? बागीचा किसी और का है बेटी, फूल मेरे हैं. जो फूलों को चाहता है फूल उसी के होते हैं. मैं एक ले लूं? दूसरों को तोड़ने लगाने दो इन हसीन जुल्फों में. अंकल नहीं, मेरी तरफ से नहीं, अरुण की तरफ. अब खुश हो गई? वाह 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 वाह, वो बेवकूफ आएगा और जुल्फों और फूलों के रिश्ते को समझे बगैर चला जाएगा. वाह वाह अंकल, आप कितने अच्छे हैं. आप डैडी के ही नहीं हमारे भी फ्रेंड हैं. लेकिन अंकल वो सब आपकी तरह क्यों नहीं? अरे वो सब बूढ़े खूसट हो गए हैं, हम अभी तक जवान हैं. अच्छा अंकल अगले फ्राइडे क्या है आपको पता है ना? तुम्हारी सालगिरह है ना, मालूम है मुझे. आऊंगा, जरूर आऊंगा और फूलों का इतना बड़ा गुलदस्ता लेकर आऊंगा. और अगर तुम्हारे हमारे दरमियान कोई आया तो हो जाएंगे तलवार के दो चार हाथ. लो आ गया. क्या हुआ, आप लोग हंस क्यों रहे हैं? कुछ नहीं हुआ दोस्त, और हो भी नहीं सकता. हंस रहा हूं कि रो नहीं सकता. ओ तुम लोगों को देर हो रही है ना, जा 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 जा, भागो भागो भागो. अरे तुम ये क्या कर रही हो? बातें आप बनाते हो यानी कि खुद, यानी कि अपने हाथों से? इसमें क्या मुश्किल काम है? मुझे भी सिखा दो ना गौरी. वैसे दिखने में मैं बहुत बुद्धू लगती हूँ लेकिन अंदर से बहुत सियानी हूँ. किससे बातें हो रही है गौरी? ओ तू आंटी. आंटी गौरी कितनी सियानी, कितनी अच्छी है, मैं इतनी अच्छी क्यों नहीं हो सकती? बेटी जितनी अच्छी तू है इतना अच्छा और कौन है, भगवान करे तो हमेशा ऐसी रहे. आंटी आंटी मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है. बोल. ओ, मैं तो भूल ही गई. हाँ, मैं यहाँ किस लिए आई हूँ? हमारी बर्थडे. तुम चुप रहो. आंटी परसों मेरा सालगिरह है, आपको जरूर आना होगा और साथ में अशोक बाबू और गौरी को भी ले आइए. गौरी को अलग से कहो नहीं तो वो नहीं आएगी. हाँ हाँ गौरी जरूर आना. हाँ मैं जरूर आती हूँ लेकिन. लेकिन लेकिन क्या बात यह है कि मैं शाम को स्कूल में पढ़ाने जाती हूँ और तुम तो जानती हो कि आगे काफी दिन बाहर रह चुकी हूँ, इसलिए जरा मेरा आना मुश्किल होगा. अरे मेरी बात का बुरा मान गई? नहीं नहीं तुम्हारी बात का कौन बुरा मानेगा, अभी तो मुझे तुमसे बात ही सीखना है. आंटी अशोक बाबू कब आएंगे? हाँ गौरी देखो अशोक बाबू आएंगे, तुमने कहना जरूर 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 आए. हाँ हाँ जरूर आए, सात काम छोड़ के आए. आंटी अगर आठवां काम हुआ तो वो भी छोड़ के आए. तो भी बहुत ठीक. अच्छा आंटी अब मैं चलती हूँ क्योंकि हम दोनों बहुत जगह जाने हैं. हाँ अच्छा गौरी बाय बाय. अरे अरे अच्छा माँ, अच्छा गौरी चलो ना. कितने अच्छे हैं ये लोग. हाँ माँ. माँ किसी दिन हमें उमा के यहाँ जाना चाहिए. हाँ कुछ ही दिन उसके साथ रहे, लेकिन मैं तो उसे भूल ही नहीं सकती. मैंने अशोक से कहा भी है जाके उनकी खोज खबर ले. ले चुके भैया और किसी अमीर आदमी के घर जाएं. आप लोग कब रहते? चार पांच. गौरी माँ सब कैसे? हाँ सब अच्छे हैं. माँ ने तो आते ही आप लोगों की रट लगा. उमा उमा शर्मा जी कैसे हैं? दिल्ली गए हैं. आप बैठिए मैं अभी आई. उमा उमा माने भेजा है आप लोगों की खोज खबर लेने और मैं आया हूं अपनी तरफ से आपका शुक्रिया अदा करने.
आपके वो फूल मुझे मिल गए थे। आप अच्छी हैं ना? वैसे मैं खबर लेने आया था, वो तो मिल गई, तो फिर मैं चलूं? आप कहें तो मैं बैठ भी सकता हूं, तो फिर मैं चलता हूं। नहीं नहीं, बैठिए ना। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, कुछ तो मुंह से बोल, वरना मैं तो ये सोचकर आया था कि अगर आज आपने मेरे साथ बात नहीं की तो मैं कभी भी इस घर में कदम नहीं रखूं। अरे आप वहीं खड़ी रहेंगी, आइए बैठिए ना। अच्छा आप बातें क्यों नहीं करते, बैठिए। वैसे सच पूछिए तो आपको बोलने की जरूरत भी नहीं, आपकी आंखें हैं ना, सब कुछ कह देती। बाप रे, ये सिर्फ मेरे लिए? वैसे हूं तो मैं बड़ा पेटू, खासकर मिठाई में हिस्सा विस्सा बटाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, पर क्या करूं, आंख की भी शर्म होती है। लीजिए। मैं एक प्लेट और ले आती हूँ। लीजिए, एक प्लेट और आ रही है। मैंने अभी खाया। ओहो, मैंने भी तो अभी खाया है, खा लीजिए। देखिए उमा जी, मैं कहता हूँ खा लीजिए, वरना मैं खुद खा लूंगा। उमा जी, शायद आपने खुद को कभी हंसते हुए नहीं देखा, कभी चुपके से आईने के सामने जाकर हंसिए और देखिए ये हंसी कितनी खूबसूरत है, कितनी सुहानी। उमा जी, शायद आपने खुद को कभी हंसते हुए नहीं देखा, कभी चुपके से आईने के सामने जाकर हंसिए और देखिए ये हंसी कितनी खूबसूरत है। सारी रात आंखों में काटी है। हाँ गौरी, सारी रात। गौरी, मेरा नॉवल बहुत अच्छा बन रहा है। अच्छा? काश हम लोग अपने कैरेक्टर, अपने ख्याल हवा से ना लेकर जिंदगी से लें, तो कितना अच्छा है। भैया, परसों एनी का बर्थडे है, उसे बाटिक बहुत पसंद आया था, कहो तो उसके लिए एक बाटिक का टुकड़ा बना दूं। हाँ हाँ, बना दो ना। लेकिन वो इतनी सस्ती चीज और वो इतने अमीर। कैसी बातें करती है पगी, इस बाटे के पीछे उन्हें तुम्हारी भावना, तुम्हारा प्रेम देखना चाहिए, ना कि इसका मूल। तो ठीक है, मैं दो टुकड़े बना देती हूँ, एक एनी के लिए और दूसरा उमा के लिए। उमा के लिए? हाँ हाँ, उसी दिन उमा का बर्थडे भी तो है, एनी ने कहा नहीं था? हाँ, पर उमा पार्टी वार्टी पर जाने वाली नहीं। तो क्या हुआ, उसे घर दिया ना जाके? चलो उठो, हाथ मुंह धो लो, चाय ठंडी हो रही है। और एक मजेदार किस्सा सुना। सुनाइए। एक रोज एक राय साहब मेरे घर आए, कह लगे वकील साहब मुझे बचाओ। मैं क्या हुआ? कल मेरे पड़ोसी ने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैंने उस पर गाली और कोर्ट में ले गए मुझे। मैं कोई हर्ज नहीं, राय साहब बचाएंगे, कोर्ट में मुंह मत खोलो। अगर कोई भी सवाल पूछे तो जवाब में कहना कोर्ट में खड़े हो गए। वकील ने सवाल पूछा, राय साहब ने कहा, जज ने सवाल किया, राय साहब ने कहा, तो मैंने जज से कहा कि हुजूर ये गाली कैसे दे सकते, ये तो बोल ही नहीं सकते, ये साहब ने छोड़ दिया। राय साहब भी खुश, हम भी खुश। अब राय साहब को हम दफ्तर ले गए। राय साहब मुबारक हो, मुबारक हो हमारी फीस। जानते हो राय साहब ने क्या फीस दी हमको? क्या दी, क्या दी, क्या दी? वो आ गई,
मैं जानती हूँ ये कौन है, अंकल मोजेस। देखा, सब लड़कियां मेरी सीटी पहचानती हैं। हैप्पी बर्थडे। जीती रहो, दुनिया के सब सुख तेरे और सब दुख मेरे। तू हंसती रहे, तू हमेशा हंसती रहे। हाँ मोजेस, यही आशीर्वाद चाहिए। अरे बूढ़े खुशक, तू यहां जवानों में क्या कर रहा? और तू क्या कर रहा है, है? मेरी बराबरी कर रहा है? मैं सबकी नजरों का जलूस और तू एक जला हुआ कारतूस। अच्छा बाबा मैं जाता हूं। ए, बाबा किसे कहता? यंग मैन बोल। अच्छा बाबा, यंग मैन, यंग मैन। थैंक यू। अरुण, अरुण इतनी देर क्यों लगा दी? देर लगा दी? साढ़े सात का वक्त था, 7:30 बजे आ गया। ये विश यू मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू। अशोक बाबू कहाँ हैं? नमस्ते अमर जी। नमस्ते। मछलियों को खिला रही हैं? ये साथी अच्छे हैं आपके, आपको तंग तो नहीं करते, ना खुद बोलते हैं बेचारे और ना आपको बोलने के लिए मजबूर करते। आपके लिए एक चीज लाया हूं, आंखें बंद कीजिए। अब बंद कीजिए ना, अब हाथ आगे बढ़ाइए। गौरी ने खुद अपने हाथ से आपके लिए बनाया। हाँ, आपके जन्मदिन की बधाई। क्या हुआ, क्या हुआ अम्मा जी? कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या हुआ पता नहीं, अचानक ही चली। गौरी ने जन्मदिन के लिए, जन्मदिन उसके लिए कैसे खुशी का दिन होगा बाबूजी? जन्मते ही अभागी ने माँ को खो दिया और इसीलिए अपने आप को दोषी मान बैठी है। आज तक इसी अपराध की सजा अपने आप को दिए जा रही है। कहाँ गई होगी इस वक्त? और कहाँ जाएगी, बगीचे में बैठी रो रही होगी। मैं जा सकता हूँ वहाँ? जाइए। घर जाऊंगा तो माँ और गौरी जरूर पूछेंगी कि उमा को जन्मदिन का तोहफा कैसा लगा। क्या जवाब दूंगा मैं? झूठ बोल नहीं सकता, सच कहने की हिम्मत नहीं। मैं तो बड़ी खुशी के साथ आया था यहाँ। सचमुच अगर मुझे पता होता मेरे आने से आपको दुख होगा तो कभी ना। नहीं नहीं, इसमें आपका क्या दोष है? दोष होता तो फिर बात क्या है? निर्दोष होकर दोष लगना। खैर एक बात तो हुई, ना मैं आपको बधाई देने आता ना आप दुखी होती, मगर अब मां और गौरी से जाकर यही कहना पड़ेगा कि मैंने उमा को रुला दिया। तो फिर इधर देखिए मेरी तरफ, मुस्कुराइए। कम से कम मां और गौरी के लिए कुछ तो ले जाऊं, मुस्कुराइए ना। चलने
जो इतराता है दिल, क्यों मुझे इतनी खुशी दे दी के घबराता है दिल। नजारा दिखाऊंगा। हमारे घर के पास गरीब लोगों की एक बस्ती है और हमारी बालकनी से उनका खाया पिया सब दिखाई देता है। मैं ये देखकर हैरान रह जाता हूं कि वो लोग इतने दुख इतने संकट में किस तरह जीते होंगे। सिर्फ जीने ही की बात नहीं, किसी रोज तो वो इस तरह हंसते हंसाते गाते बजाते उधम मचाते हैं कि देखकर अकल दंग रह जाती है। मैं सोचता हूँ ये सब इसलिए तो नहीं कि वो दुख के आदि हो चुके, दुख उनके लिए दुख नहीं रहा, लेकिन उनके पागलपन का कारण ये नहीं। मुझे उनमें एक अजीब तरह की कांड शक्ति है, मेहनत मेहनत और मेहनत। जिंदगी में कोई चीज भी तो उन्हें आसानी से नहीं मिलती, इसलिए जिंदगी में थोड़ी बहुत खुशी जो उन्हें नसीब होती है वो उसे निचोड़ निचोड़ कर उसकी आखिरी बूंद तक पी देना चाहते। जिंदगी में आपको तो बहुत कुछ मिला है ना, अगर ना भी मिला होता तो क्या है, इंसान को जिंदगी में हर चीज थोड़ी मिल जाती। अब अपने पिताजी की तरफ देखिए, कौन सा सुख नहीं है उनके पास, पैसा है, इज्जत है, मान है, लेकिन पत्नी का सुख। ओह माफ कीजिए, मैंने फिर से वही बात छेड़ दी। मैं खुद भी तो उसे नहीं भूलती। मैं आपको भूल जाने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन जरा सोचिए तो आपके पिताजी का दुख। आपको तो हमेशा हंसना खेलना चाहिए ताकि आपके पिताजी। नहीं नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हाँ, किसी और को तो आप देखना भी पसंद नहीं करते। हाँ ठीक ही तो कह रहा हूँ, इतनी देर से इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया, आपके जन्मदिन पर बधाई देने आया, लेकिन आपने एक टुकड़ा मिठाई तक नहीं खिलाया। नहीं नहीं बैठिए, मैं तो ऐसे मजाक कर रहा हूँ। मैं बाहर से जितना चुप्पू उबू हूं ना, अंदर से उतना ही शैतान है। अच्छा बताओ शेर में क्या गलती है? आओ हुस्न यार की बातें करें, जुल्फ की नुकसान की बातें करें। आओ हुस्न यार की बातें करें। बताओ बताओ बताओ, पढ़े लिखे हो? शेर जी कोई गलती नहीं। क्या परफेक्ट है खास, कभी मोहब्बत की हो तो जानो, इसमें गलती है बातें कर, यानी कि प्यार किया और अभी तक बातें ही करे। अंकल अगर अशोक यहाँ होता तो आपके शेर शायरी का जवाब दे। अशोक क्या, अशोक दी ग्रेट भी होता तो जवाब ही दे सकता। अच्छा बताओ
पूनम का चांद देख के किसी कवि ने ये क्यों कहा, क्या चांद तू छुप जा बदली में, क्यों नाहक मुझे जलाता है। जब सारी दुनिया भूखी है तू रोटी की याद दिलाता है। इतनी देर क्यों कर दी? माफी चाहता हूँ, गौरी ने ये आपके लिए भेजा है। ब्यूटीफुल, मार्वेलस, ये तो गौरी ने भेजा है। आप मेरे लिए क्या लाए हैं? शुभकामनाएं। अशोक बाबू, शुभकामना से काम नहीं चलेगा, आपको मेरे जन्मदिन पर अपनी कविता सुनानी होगी। देखिए अनीता जी, मैं शायर हूँ खून पसीने और आंसुओं का, ऐसे खुशी के मौके पर मेरी कविता अच्छी नहीं लगेगी। हमें ज्यादा समझाने की कोशिश मत करो, हम पहले ही ज्यादा समझ के मारे हुए हैं। माय सन, अ रोज इज अ रोज इज अ रोज, पोएम इज अ पोएम इज अ पोएम। जाओ जाओ, शुरू करो। अंकल अंकल, कविता इतनी रोशनी में अच्छी नहीं लगती, मैं धीमी किया देती। ब्रिलियंट आइडिया, व्हाट डू यू से? या दिल के सुनो दुनिया वालों, या मुझको अभी चुप रहने दो, मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उनको कहने दो। या दिल के सुनो हुए।
और वही अब ऐसी तसल्ली रहने दो या दिल की सुनो दुनिया वालों या मुझको अभी चुप रहने दो मैं गम को खुशी जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ आप लोग हम आपको बुलाने आए हैं परसों हमारे यहाँ सत्यनारायण की पूजा है आपको रुमा को आना होगा जी मुझे परसों तो रविवार है छुट्टी का दिन जी बुरा मत मानिएगा मैं तो आ नहीं सकूंगा हाँ उमा जरूर चली जाएगी ठीक है गौरी उमा को आकर ले जाएगी बेरा ड्राइवर से बोल दो जब ये लोग घर जाए तो इन्हें पहुंचा दे नहीं नहीं इसकी क्या जरूरत है आप क्यों तकलीफ करें इसमें तकलीफ की बात क्या है ड्राइवर घर देखाएगा और उमा खुद ब खुद चली जाएगी अच्छा नमस्ते गौरी ओ गौरी क्या है माँ देखो केले के पत्ते ले आए उसे पैसे दे दे मैं दुर्गा तो नहीं दस हाथों जिसके भैया को चाय दो या यहाँ पैसे ओहो दे भी दे माँ उमा जरा ऊपर जाके भैया को चाय दिया ना लो आती बिचारी को काम सौंप दिया करने दीजिए ना माजी जा दिया उमा नहीं आई गौरी जैसे ही आए मुझे बता देना आपका भाई अच्छा आते ही काम पर लगा दिया बैठिए ना पूजा में नहीं जाएंगे पूजा ही तो कर रहा हूं मैं तो ये समझता हूं अपना काम जी जान से करना सबका सम्मान सबसे प्यार करना यही बहुत बड़ी पूजा है पर इसका ये मतलब नहीं मैं उस पूजा के खिलाफ हूं देखिए ना घर में पूजा हुई तभी तो आप आई हैं आप भी पूजा करती हैं क्या वर मांगते हैं भगवान से अरे हाँ मैं तो भूल ही गया भगवान से जो मांगा जाता है कहा नहीं जाता और फिर लड़कियां लड़कियां तो भगवान से भी अपने मन की बात छुपाती है ना कभी कभी तो मेरा भी जी चाहता है मैं भगवान से प्रार्थना करूं पर जब भगवान बिन मांगे ही सुंदरता की पूंजी मुझ पर लुटा रहे हैं और हमारे लिए हर सुख का सामान कर रहे हैं तो मांगना कैसा आपको ऐसा नहीं लगता भगवान सबको सुख नहीं देता ऐसा ना कहिए भगवान पर दोष मत लगाइए ये हम आप ही हैं जो अपने लिए दुख पैदा कर लेते माना इसका भी कुछ कारण होता है मगर आप खड़ी क्यों हैं? बैठे ना क्या लिख रहे थे आप कहानी आप जैसी एक लड़की की कहानी वो सोचती थी लोग उसे गलत समझते थे वो खुद भी किसी को समझ नहीं पाती थी वो सिर्फ फूलों पंछियों की भाषा समझती थी मगर इंसानों के बीच में कदम कदम पर उसे रुकावट महसूस होती थी वो नहीं जानती थी असल रुकावट बाहर नहीं उसके अंदर है उसके मन के अंदर वो लोगों से बचने लगी लोग फिर उससे करने लगे एक दिन ऐसा हुआ क्या हुआ एक दिन वो ही लिखने जा रहा था कि आप आ गई मैं एकदम से कैसे कह दूं ठीक है तुम्हें कहने की कोई जरूरत नहीं तुम आराम से बैठ के सोचते रहो मैं
चलिए। एनी एनी प्लीज प्लीज डोंट बी सो कूल। अच्छा सुनो, मैं अंकल मोजिस से कहलवा दूं तो? शादी कौन कर रहा है, तुम या अंकल मोजिस? मैं, लेकिन कम से कम उनकी सलाह ही ले लें। ठीक है चलो। अंकल आओ बेटे आओ। अंकल हमें आपसे एक एडवाइस चाहिए। अगर कानूनी मशवरा है तो फीस देने पड़े, अगर कानूनी नहीं है तो ज्यादा फीस। ओ अंकल मजाक छोड़िए, इधर हमारे जान पर पड़ी है। और बात क्या है? यूसी अंकल, यूसी आई हैव फॉलन इन लव। नॉनसेंस, मोहब्बत में ऊपर उठते हैं लोग, गिरते नहीं। कोई कहता है मैं मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया, अरे भाई मोहब्बत कोई हेड पुलिस कांस्टेबल है जो गिरफ्तार करे? कोई कहता मैं लड़की पे मर गया, यूं कहो कि मैं लड़की पे जिंदा हो गया। लेकिन अंकल असल बात तो बीच में ही रह गई। मोहब्बत से बढ़कर भी कोई और बात है? हाँ अंकल शर्मा ने कल मुझे बुलाया था। अंकल आप क्या समझते हैं इन्हें शादी करनी चाहिए? जरूर। जिससे प्यार भी नहीं, सिर्फ इसीलिए कि इनके पिताजी? कभी नहीं, जिससे प्यार करता है जिससे शादी करनी चाहिए। नहीं नहीं अंकल, मैं ये नहीं कहती कि मुझसे शादी करें, मुझसे करें या न करें, सवाल ये है कि प्यार किसी से और शादी किसी से, ये क्या ठीक है? इससे क्या दोनों की जिंदगी बर्बाद नहीं होगी? उमा कितनी अच्छी लड़की है, कितनी मासूम है, क्या उसे धोखा देना ठीक होगा? ठीक कहा तुमने बेटी। लेकिन अंकल अरुण, मैं तुम्हारी हालत अच्छी तरह समझ सकता हूँ बेटा, लेकिन जरा सोचो, आज जरा सा दुख बचाने के लिए अगर तुमने टाल मटोल की तो हो सकता है आगे चल के इससे कहीं ज्यादा दुख सभी को भुगतना पड़े। एनी को छोड़ के मैं और किसी से शादी नहीं करूंगा। लेकिन लेकिन मुश्किल तो यह है कि शर्मा अंकल से कहूं कैसे? आप जाके कह दीजिए ना अंकल। नहीं बेटे, इस मुसीबत का सामना तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा, और किसी के कहने से शर्मा के दिल को बहुत चोट पहुंचेगी, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं। तुम खुद ही जाओ। अरे प्यार करते हो, कोई बात तो नहीं करते, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, दो चपत रसीद करेगा, सह लेना। मोहब्बत में बहुत कुछ सहना पड़ता है दोस्त। आप भी यही चाहते हैं अंकल? अशोक, अशोक क्या है भैया? अशोक को भेज दो। वो तो घर में नहीं है। हाँ मर गए। क्यों? अशोक से एक एडवाइस लेनी थी। एडवाइस? एडवाइस मुझसे क्यों नहीं लेते? एडवाइस से सस्ती दुनिया में कौन सी चीज है? रहने दे अपनी एडवाइस अपने पास, या स्कूल में जाके दे। अरे आज तो पढ़ा लेने गई। मैंने नौकरी छोड़ दी। क्यों? हमने गाँव जाने की तैयारी कर दी। गांव में क्या रखा है? वहां किसी स्कूल में नौकरी कर लूंगी, बाद में शायद भैया आ जाए। अरुण तू कब आया बेटा? ये यकायक तूने गांव चलो आंदोलन क्या शुरू कर दिया? अशोक ने नौकरी छोड़ दी है ना। नौकरी छोड़ दी? हाँ, उस नौकरी में इज्जत बचानी मुश्किल हो गई। घबराने की कोई बात नहीं, इसी बंदोबस्त में हम सबकी सुविधाएं हैं। अशोक यही रहेगा, अगर महीने दो महीने में कोई बात नहीं बनी तो वो भी गाँव चला आएगा और वही किसी स्कूल में नौकरी कर लेगा। अगर तुम लोग चले गए तो मैं भी चला आऊंगा, यहाँ मेरा और है ही कौन जो मेरी परेशानी समझ सके। कैसी परेशानी बेटा? कोई नहीं माँ, तू अशोक को कह देना मैं आया। नहीं सच बताना। नहीं सच्ची कोई नहीं। सच? सच कोई परेशानी नहीं। क्या हुआ अरुण भैया, क्या बात है? कोई बात नहीं। नहीं जरूर कोई बात है जो मुझसे छुपा रहे हैं। कोई बात नहीं पगली, तू अशोक को कह देना मैं फिर आऊंगा। अच्छा अरुण तुम कब आए? जी मैं अभी आया। सीधे ऊपर चले जाते, नीचे क्यों बैठे? क्या तुम इसे अपना घर नहीं समझते? बैठो बैठो, क्या बात है? जी बात यह कि मैं एक उलझन में पड़ गया। उलझन? कैसे उलझन? जी मैं आपसे कुछ कहना चाहता था लेकिन बात बड़ी नाजुक है। बात क्या है, इतना घबरा क्यों रहे? घबरा कहाँ रहा हूं, आप इस वक्त बिजी हैं? बिजी तो हूं मगर तुम्हारे लिए नहीं। कहो क्या बात है? जी जी वो बख्शी साहब है ना, मैं उनकी 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 क्या जी उनकी नहीं, उनके उनके घर पे वो लड़का मिला था ना महामंडेश्वर में, वो लड़का अशोक, अशोक मेरा दोस्त। हाँ हाँ
क्या हुआ सर? उस बेचारे की नौकरी चली गई, अब बेचारे को अपने माँ और बहन को गांव भेजना पड़ा। मैं सोच रहा था कि बस इतनी सी बात है? जी हाँ, उसे भेज देना मेरे पास, मैं सब बंदोबस्त कर दूंगा। थैंक यू अंकल। इस वक्त तुम कहाँ जा रहे हो? जी मालूम नहीं। मालूम नहीं? जी मालूम है, मालूम है। मैं कहीं ड्रॉप कर दूँ? जी नहीं, मैं गाड़ी लाया हूँ, गाड़ी लाऊ मैं। जी मैं चलता हूँ। क्या लिख रही है गोल? भैया, अरुण भैया अभी भी तुम्हारा इंतजार करके गए हैं, सुबह से दो दफा आ चुके हैं। क्यों, क्या बात? वो मालूम नहीं, कह गए हैं शर्मा जी ने तुम्हें घर पे बुलाया है, बहुत जरूरी काम है। शर्मा जी ने मुझे? गोरी तेरे जो शर्मा जी, सच्ची मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। भैया तुम वहां हो या? बहुत परेशान है अरुण भैया। परेशान तो जाना ही पड़ेगा। भैया तुम वहां जा रहे हो, उमा से कहना हमसे मिलती जाए, फिर न जाने कब मुलाकात हो। गौरी तू उसे टेलीफोन नहीं कर सकती, मैं सब बातें करूंगा। हाँ हाँ, गांव जाने से पहले माँ का बहुत मन है तुम्हें एक बार देख लें। हम ही आ जाते लेकिन बसों में इतनी भीड़ होती है, तुम्हारे पास तो कार है, तुम ही आ जाओ। आओगी ना? जरूर सर हिला रही होगी, भले टेलीफोन पर सर हिलाना कैसे देखूंगी। बोलो आओगी ना? आऊंगी। सुनो, आज तुम्हारे पिताजी ने भैया को बुलाया है, जानती हो क्यों? फिर सर हिला रही हो? नहीं मालूम। अच्छा तो जल्दी आना, मैं बंद करती हूँ। लो पी लो। नहीं चाहिए। अब मुंह फुलाने की क्या जरूरत है, डैडी को तो भेज दिया अंकल शर्मा के यहाँ, तुम्हें जो तीर मारना था तुमने मार लिया। ओह एनी, फॉर हेवन से कीप क्वाइट, जब देखो तब पक बात। समझ में नहीं आता क्या करो, अजीब परेशानी है। तुम भी तो कुछ बोलो ना। क्यों बोलूं, मैं तो बकबक करती हूँ ना। एनी प्लीज समझने की कोशिश करो, मेरी मुसीबत यानी तुम्हारी मुसीबत। लेकिन मुसीबत क्या है, सुनो तो। शर्मा अंकल के पास गया था अपनी बातें करने के लिए, और कराया बात अशोक की नौकरी की। उन्होंने कहा भेज, एंड लाइक एन इडियट दैट यू हैव मेड मी, मैंने गौरी से कहा कि शर्मा अंकल ने अशोक को बुलाया है। तो ठीक ही किया। क्या खास ठीक किया? तुम अशोक को नहीं जानती, बड़ा टेढ़े किस्म का आदमी है। तो फिर जाकर मना कर दो। दो बार गया था, कदा मिला ही नहीं। अब कहीं पहुंच गया वो अंकल शर्मा के पास, तो हो गई छुट्टी। कौन? तुम? आपने मुझे याद किया। मैंने? ओ हाँ हाँ, पर तुम यहां क्यों चले आए? दफ्तर में आते। अच्छा जब आ ही गया तो बैठो। कितनी तनख्वाह से गुजारा हो जाएगा तुम्हारा? कई साल हुए तुमने एमए पास किए? जी 6 साल। नौकरी का कोई तजुर्बा भी है? जी नहीं, मैं तो बस पढ़ाता हूँ, टीचरी करता हूँ। टीचरी सबसे आसान काम है। अरे नेशनल बिल्डर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर रॉबिन्सन से कह दूंगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। ख्याल रखना, नौकरी का मतलब है अपने ऊपर वाले को खुश रखना, चाहे इसमें थोड़ी बहुत खुशामद भी करनी पड़े। आजकल के लड़के जरा अपने ही अकड़फू में रहते हैं, इज्जत सेल्फ रिस्पेक्ट सब घर ही में छोड़कर आना, वरना तुम जानते ही हो आजकल सैकड़ों बीए में जूते चटकाते फिरते हैं। तो आपने मुझे नौकरी के लिए बुलाया है, मगर आपसे किसने कहा मुझे नौकरी चाहिए? अरुण ने। अरुण ने? अरुण ने आपसे कहा मुझे नौकरी चाहिए? हाँ। क्या तुम बेकार नहीं हो? ऐसे तो उस दुनिया में बहुत से लोग बेकार घूमते हैं, क्या आप उन सबको बुलाकर नौकरी देंगे? सब थोड़ा ही आ सकते मेरे यहाँ, ये तो तुम तरस खा रहे हैं मुझ पर। आप ऐसा क्यों सोचते हैं, जो भी आपके पास आता है आपके रहम के लिए आता है? सोचना पड़ता है, जब सुनते हैं नौकरी ना मिलने से किसी ने खुदकुशी कर ली, किराया ना दे सकने से किसी को घर से निकाल दिया गया, या उसे अपनी मां और बहन को वापस गांव भेज देना पड़ा,
तब आपको उन पर तरस आ जाता है। हम गरीब जरूर हैं शर्मा जी, हमारी जरूरियात भी बेशुमार है, मगर आप ये नहीं जानते कि प्यार, मोहब्बत, कुर्बानी हमारी उन सब कमियों को दूर कर देती है। हमारे पास पैसा नहीं, बाकी सब कुछ है। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि आप गरीबों के पास सिर्फ पैसा है और कुछ नहीं। अब आप अपनी तरफ देखिए, अपनी बेटी की तरफ देखिए और खुद ही फैसला कीजिए कि आपको किसी दूसरे पर रहम खाना चाहिए या अपने आप पर। मैंने आपको इसलिए नहीं बुलवाया कि आप मेरे ही घर आकर मुझे ही अकल की बातें बताएं। माफ कीजिए शर्मा जी, मैंने आपके जज्बात को ठेस पहुंचाई। रही मेरे जज्बात की बात, घर जाने दीजिए। और हाँ, एक रोज मेरे गरीब खाने पर जरूर तशरीफ लाइए और देखिए कि मुझे आपकी जरूरत है या आपको मेरी। नमस्ते। मोहन। ओ सुरेश, आओ आओ। तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक ही है, बैठो ना। क्या बात है? मैं तुमसे एक बहुत नाजुक सिलसिले में बात करने आया हूं, समझ नहीं आता कैसे करूं। कहो ना। बात यह है, हारी चाहते थे कि अरुण की शादी तुम्हारी बेटी से हो, लेकिन अरुण एनी से शादी करना चाहता है, बल्कि उसने तो प्रपोज भी कर दिया है। तो ठीक है, जब वो एनी से शादी करना चाहता है तो कौन रोक सकता है उसे। लेकिन उमा, उमा पर रहम खाने की जरूरत नहीं सुरेश, मैंने तो अपना वादा निभाने की कोशिश की थी, वरना मेरी बेटी को लड़कों की क्या करनी। अभी थोड़े दिन हुए सर, सीताराम ने अपने बेटे के लिए उसका हाथ मांगा। चलो, एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया मेरे दिमाग से। और मेरे दिमाग से उल्टा, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार, क्योंकि अरुण तो कोई खास। ठीक है, तुम खुशी से रिश्ता पक्का करो। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। अच्छा मां, बाबू के घर। अशोक बाबू के घर? जी हाँ, उनकी माँ और बहन गांव जा रही है। जहन्नुम में जाने दो उन्हें, तुम्हें उनसे क्या। जाओ, ऊपर जाओ। सल्ला, मैं नहीं चाहता हूं मायरा गहरे आदमी से मिलती फिरे, समझी। आइए आइए। आप तो गई हैं। ये क्या हालत बना रखी है? उफ, आपको तो बुखार है। बुखार था, अब नहीं है। हम लोग मर गए थे क्या? इतनी सी भी खबर नहीं की। खबर? आप लोग खबर लेने आ भी तो सकते। आप ठीक कहते हैं अशोक बाबू, वो अरुण है ना, देखिए ना काम में कितनी बिजी रहता है, और मैं शॉपिंग में बिजी रहती हूं। अच्छा, वो शुभ दिन कब आएगा? शुभ दिन? कौन सा शुभ दिन? आपकी शादी। शादी? आपकी ये शक्ल देखकर जी चाहता है आज ही क्या, अभी शादी कर लूं। कम से कम गौरी आंटी तो आ जाएंगी, आपकी ये हालत तो नहीं देखनी पड़ेगी। दवा वगैरह खाई या नहीं? इतने से बुखार में दवाई की क्या जरूरत है? और खाने पीने का बंदोबस्त? खाना पड़ोस से आ जाता है। ऐसी ही बात है तो वही क्यों नहीं रहते जाकर? वहां जाकर इसलिए नहीं रहता कि अगर वहां जाकर बीमार हो गया तो यहाँ से खाना कौन भेजेगा। अनिका, अरुण आपसे शादी करके बहुत सुखी रहेगा,
आप लाखों में एक है। सच्ची आपके दिल में कुछ नहीं। हाँ हाँ अशोक बाबू, अरुण से ये सब ना कहिएगा, वरना वो कहेगा दिल में तो कुछ है ही नहीं, दिमाग में भी कुछ नहीं। अनीता, ये मेरा नॉवल आज ही छप कर आया है, पहली कॉपी आपके लिए। अरे वाह अनुपमा। अशोक बाबू, ये अनुपमा जी कौन है? अनुपमा मेरी कल्पना। सिर्फ कल्पना ही? हाँ। अच्छा, अरे आपकी कॉपी ये है। उमा, तुम ही मेरी अनुपमा। अशोक, अशोक बाबू आप लेखक हैं, मन की बात बता तो सकते हैं, छिपा नहीं सकते। मैं कितना भी नाचूं कूदूं हुल्लड़ मचाऊं, पर ये मत भूलिए मेरे सीने में औरत का दिल है। अच्छा अशोक बाबू, मैं अभी आती हूँ, अरुण आएगा तो उसे बिठा लीजिए। पर जा कहाँ रहे हैं आप? आपकी दवा लानी। अरे दवाई की क्या जरूरत है, सुनिए। डॉक्टर साहब को साथ लाइए। हाँ हाँ, ऐसा डॉक्टर जिसकी दवाई कभी फेल नहीं हो सकती। अरे डॉक्टर साहब आपके बाहर ही खड़े रहेंगे, अंदर आइए ना, आइए। अरे अरे अशोक बाबू, उमा तो खड़ी रह सकती है लेकिन आपकी तबीयत ठीक नहीं, कम से कम आपको तो आराम करना चाहिए। आइए उमा जी, आइए बैठिए ना। तुम खड़े खड़े क्या मुंह देख रहे हो, दवाई वगैरह नहीं लानी है क्या? लानी है, मगर कौन सी दवाई लाऊं? मेरे सरकार चलिए तो सही, मेरे परदादा बहुत बड़े डॉक्टर थे, मुझे सब दवाई का पता है। चलिए चलिए, चलो ना चलो। उमा तुम अशोक बाबू से बातें करना, मैं फिर आके ले जाऊंगी। कब से बीमार हैं आप? तीन चार दिन हो गए। बहुत तकलीफ हुई होगी। जी नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। उस रोज जो नॉवल में लिख रहा था ना, आज छप कर आ गया है। लीजिए आपकी कॉपी। अनुपमा, कितना सुंदर नाम है। अनुपमा के माने जानती हैं आप? जिसकी कोई उपमा ना हो, बेमिसाल। हाँ, मगर मेरे लिए अनुपमा के माने हैं आप। हाँ मेरी अनुपमा आप हैं। आज तक जो कुछ मैंने आप पर बीतते देखा, उसे अपनी कल्पना के रंग में लिख दिया। अगर मेरी कल्पना और आपका जीवन एक हो जाए तो मैं समझूंगा मेरी मेहनत सफल होगी। सरला, उमा को देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं, उनकी खातिरदारी का इंतजाम करो और उमा को भी तैयार कर लो। लेकिन 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 क्या? उमा आज बाहर गई है। क्या उमा बाहर गई है? जी, एनी बेबी ले गई है। एनी? जी, जल्दी ही आ जाइए। गौरी की माँ की चिट्ठी आई? एक चिट्ठी आई है। मेरे बारे में कुछ? हाँ, आपके बारे में भी पूछा है। गांव जाते वक्त बहुत इंतजार किया था आपका। मेरी भी बहुत इच्छा थी। मुझे पहली उमा और आज की उमा में कितना परिवर्तन दिखाई देता है।
क्या परिवर्तन? यही कि आपके मन में इच्छा जाग रही है। उमा, इच्छा बहुत सुंदर है, इच्छा ही जिंदगी है। उस दिन आप पूछ रही थी ना कहानी के बारे में कि फिर क्या हुआ, उसी दिन से अनुपमा के मन में परिवर्तन शुरू हुआ। इच्छा का अंकुर फूट निकला, फिर उस अंकुर से एक पत्ता निकला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और फिर पौधा लहलहाने लगा। फिर वो पौधा बड़ा हुआ, उसमें फूल आए, फिर आनी आ गई। अब मैं घर जाऊंगी अशोक बाबू, आप बैठिए, मैं फिर आऊंगी। नमस्ते। आज शाम को आप लोग आ रहे हैं ना? जी नहीं नहीं, ये बात नहीं। बात यह है कि मेरी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। चाहता हूं कि शादी की तारीख जितनी जल्दी हो सके पक्की हो जाए। जी जी हाँ। अच्छा नमस्ते। कौन? जी मैं अशोक बोल रहा हूँ। ओह अशोक बाबू, नमस्ते। कहिए। क्या मैं उमा जी से बात कर सकता हूँ? हाँ हाँ उमा। आपकी तबीयत खराब है, हम बाहर क्यों आए? रहा नहीं गया उमा, पास के किसी घर से फोन कर रहा हूँ। देखिए आज एक बात आपको बताना बहुत जरूरी है। क्या? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आप हमें अपना समझिए, हमारे घर को अपना समझिए। आपका हम पर पूरा अधिकार है। अगर हम किसी दिन आपके किसी भी काम आ सके तो हम माँ कौरी मैं अपना गौरव समझेंगे। याद रहे कि नहीं ये बात? उमा, उमा, क्या बात है उमा? क्या हुआ? मैं सरला बोल रही हूँ। क्या रो रही है उमा? मगर क्यों? सुनिए मैं आज उनसे मिल सकता हूँ? नहीं, आज कुछ लोग लड़की देखने आ रहे हैं। आओ बेटे बैठो। शर्मा जी ने जिद की इसलिए तुम्हें तकलीफ देनी पड़ी, वरना तुम्हें देखने की क्या जरूरत थी? क्या नाम है बेटे? वाह 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 वाह, जैसा नाम वैसा ही रूप। ठीक कहा आपने, देवी है साहब देवी, सिर्फ रूप की नहीं गुण की भी। देखिए ना, मैंने शादी नहीं की इसका मुझे कोई दुख नहीं। दुख सिर्फ एक ही बात का है कि अगर मैं शादी करता तो शायद उमा जैसी मेरी भी एक बेटी होती। इसीलिए कभी कभी सोचता हूं कि मैं शादी कर ही डालूं। Why not? Better late than never. Thank you. तो फिर 6 तारीख पक्की रही? जी हाँ, अब तो इसे ले जाने की हमें जल्दी पड़ी है। हाँ हाँ, शुभस्य शीघ्रम। मोहन, खाने पीने का फर्स्ट क्लास इंतजाम होना चाहिए। बिरयानी पुलाव वो डट के खाऊंगा, वो डट के खाऊंगा। अब क्या होगा अशोक बाबू?
जिस लड़के से उमा की शादी हो रही है मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं। उमा उसके साथ कभी सुखी नहीं रही। हमें कुछ करना ही चाहिए। मगर कर क्या सकते हैं? आप सब कुछ कर सकते हैं। क्यों नहीं उमा को उस नरक से खींच लाते? ये बात असूली तौर पर गलत है। कोई असूल नहीं अशोक बाबू, मैं अच्छी तरह जानती हूँ उमा से प्यार करती और आप उमा से। आपका गाँव जाना तो सिर्फ एक बहाना है। सीधी तरह ये क्यों नहीं कहते कि यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं, जिम्मेदारी से आंखें बचा रहे हैं? मैं नहीं जानती थी कि आप इतने बुजदिल हैं। नहीं तो मैं बुजदिल नहीं, मगर मैं नहीं चाहता उसके बाप की तरह अपने ख्यालात अपने असूल उस पर ठोस कर उसे दिमागी तौर पर अपाहज बना दूं, जिस तरह इस देश के करोड़ों माँ बाप ने अपने बच्चों के साथ किया है। एक इंसान की आजादी उतनी ही कीमती है जितनी एक देश की, और ये आजादी खुद हासिल की जाती है। ये सब किताबी बातें? नहीं अनीता, ये किताबी बातें नहीं। मैंने तो उमा से कह दिया था मेरे घर के दरवाजे उसके लिए हमेशा खुले, अब वहां से चलकर मेरे घर तक आना उसी का काम था। माफ कीजिए अशोक बाबू, मैं एक नासमझ लड़की, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कुछ लोग अपने आप चल सकते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें थोड़ी मदद थोड़े सहारे की जरूरत होती है, लेकिन आप ये बातें नहीं समझ पाएंगे क्योंकि आप मर्द है ना, हमेशा दिमाग से सोचते हैं। ठीक है, आप यही खड़े रहिए और उस बेचारी को तिल तिल मरने दीजिए। उमा कहाँ है? कमरे में। उमा, अशोक बाबू कल जा रहे हैं सुबह 10 बजे की ट्रेन, शायद वो फिर कभी ना लौटे। क्यों जा रहे हैं ये सब तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। उस दिन उनकी बीमारी का सुनकर जब तुम मेरे साथ गई थी, मुझे उसी दिन तुम्हारे मन का पता चल गया था और उनके मन का है। ऐसा मत होने दो उमा, अंधेरा हो जाएगा। छोड़ दो ये सब कुछ, तोड़ दो ये झूठे रिश्ते नाते। प्यार एक तरफ और पूरा संसार एक तरफ, आखिर तुझे डर किस बात का है? देख तू कितनी तकदीर वाली है, तूने प्यार किया तुझे प्यार मिला, अब इसे ठुकरा मत। उमा तू अपनी जिंदगी बर्बाद कर सकती है, लेकिन अशोक बाबू की जिंदगी बर्बाद करने का तुझे कोई हक नहीं। जब दिल टूटता है उमा, तू कोई आवाज नहीं होती। अगर तू उनके प्यार को ठुकराएगी तो भगवान के घर भी तुझे जगह नहीं मिलेगी, और मैं कुछ नहीं कह सकती। चल चल मेरे साथ चल। ओह, मैं समझती थी तू नाजुक दिल है, पर अब पता चला तेरे दिल ही नहीं, वो हमारी भूल थी, अशोक बाबू की भी भूल थी। उन्होंने बेकार ही किताब लिखी, बेकार ही उन्होंने तेरे नाम पर कर दी। तू जिसने उसके सारे आन सारे माने मिट्टी में मिला दी। उमा, अनुपमा फूलों की पंछियों की भाषा समझती थी, मगर इंसानों के बीच हर कदम उसे रुकावट महसूस होती थी, क्योंकि असल रुकावट बाहर नहीं उसके अंदर उसके मन में थी। अनुपमा ने उन सायों और परछाइयों की दुनिया को कभी नहीं छोड़ा। हौले हौले धीरे धीरे उसकी आशा और निराशा का रंग एक हो गया। एक दिन अनुपमा के यहाँ कोई अजनबी आया, पलकों की नोक से जिसने दरवाजा खटखटाया, उसका नाम था प्यार। उसके बाद एक भिन भनाते भौंरे की तरह से एक सवाल बार बार उसके मन में आने लगा, अनुपमा झिझक क्यों रही हो, ये दुविधा कैसी है? अपने मन की तुम ही तो रानी हो अनुपमा, तुम ही तो राजेश्वरी। आखिर वो दिन आया जब अनुपमा अपने ही बुने हुए जाल से बाहर निकली
और उसने देखा सुबह का सूरज उसके स्वागत के लिए अपने किरणों के बाजू फैलाए खड़ा है। उसके मन में एक ही आवाज आने लगी, मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी। शगुन आ गया है, जाओ संभालो उसे। क्या हुआ बाबूजी? ये सब आप लौटा दीजिए। क्या मतलब? ये शगुन नहीं है बाबूजी, मौत का संदेश है बिटिया के लिए। मैं अपने आंख के सामने बेटी की बलि नहीं देख सकती। क्या कह रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ बाबूजी, उमा आप ही की नहीं मेरी भी बेटी है। मैंने उसे अपनी कोख से नहीं जन्मा है, पर मैंने ही पाला है। कोपल कोपल बढ़ते देखा है उसे। मैं जानती हूँ बाबूजी, उसकी आस क्या है, उसकी प्यास क्या है। बंद करो ये बकवास, ये कोई मजाक है? घर में शगुन आया है, बीसियों मेहमान आने वाले हैं। कुछ भी हो बाबूजी, मैं अपनी आंख से उसका घात होते नहीं देख सकती। नहीं देख सकती तो निकल जाओ यहां से। मैं चली ही जाती हूँ बाबूजी, आखिर मैं नौकरानी हूं ना। अगर बहू रानी जिंदा होती तो क्या ये शादी होने देती? नहीं, वो उमा की जिंदगी कभी बर्बाद नहीं होने देती। जी, क्या तुम्हें भी कुछ कहना है? नहीं पिताजी, मैं आपका आशीर्वाद लेने आई हूं। मैं इस घर को सदा के लिए छोड़ रही हूं। इस संसार में आते ही मैंने आपकी सबसे प्यारी चीज छीन ली। मेरी मां ने कैसी जगह बनाई होगी आपके मन में, जो मुझे देखते ही आपको वो याद आ जाती है। शायद इसलिए आपने मुझे कभी माफ नहीं किया। आज मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं भी किसी के मन में वही जगह बना सकूं जो मां ने आपके मन में बनाई थी। मेरे सर पर है पिताजी, मैं जाऊं ना? पिताजी, मैं जानती हूं आप कितने अकेले हैं। जब भी बुलाएंगे मैं चली आऊंगी। पिताजी,
मैं जा रही हूँ चाचा जी। जा रही हो? बात क्या है? कुछ नहीं। जरूर कोई बात है। मैं तेरे पिता समान हो बेटी, मुझे बता। मैं सदा के लिए जा रही हूँ। क्या, ये क्या पागलों जैसी बातें कर रही? घर मेहमानों से भरा है। मुझे जाने दीजिए चाचा जी। नहीं, होश में आओ। ये क्या बचपना है? जानते हो तुम्हारे पिताजी का क्या हाल होगा? वो किसी के सामने मुंह नहीं उठा सकेंगे। उनकी मान मर्यादा मिट्टी में मिल जाएगी। चाचा जी मुझे जाने दो। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। उसे जाने दो मोजेस। आप अशोक बाबू से मिलने आई हैं? वो तो स्टेशन चले गए। उमा, शर्मिला, तुम घर जाओ। इस दुनिया में पिताजी का कोई नहीं है। उमा, चल जल्दी चल। मैं वापस घर नहीं जाऊंगी चाचा जी। मैं तुझे वापस ले जाने नहीं आया बेटी। चल जल्दी चल, वरना देर हो जाएगी। चल। बस थोड़ी ही दम में गाड़ी छूटने वाली है, तुम लोग जाओ। सच पूछो तो मुझे ये छोड़ने छुड़ाने और सीएफ करने का तकल्लुफ अच्छा भी नहीं लगता। अनीता, उदास मत हुई, ये जिंदगी ही ऐसी है। अशोक बाबू, ज्ञान ध्यान की बातें मुझे मत सुनाइए। अगर जिंदगी इसी का नाम है तो फिर जीने का फायदा ही क्या है? मैं इन बातों को नहीं मानती। मैं अशोक बाबू, देखिए। आपने कहा था ना कि जब भी मैं चाहूं। हाँ हाँ उमा, चल।